सो व्हाट्स अप गाइस, बैक विद द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर आप भी एक रेडमी नोट 9 प्रो के यूज़र है तो गाइस आप लोगों को भी कल जो है एक अपडेट मिला होगा जो कि एंड्रॉयड 11 बेस्ड था, जो कि यार एकदम से शॉमी ने जो है क्या ही कमाल कर दिया और ये अपडेट दे दिया। लेकिन गाइस इसमें क्या कुछ नया फीचर आया है इसका रिगार्डिंग जो है आज मैंने वीडियो बनाया है, इसका फुल रिव्यू आज हम करने वाले हैं। और इसमें जो है बग्स क्या है देखने को मिलते हैं, क्या नए फीचर जो यहाँ पर देखने को मिले हैं इसके बारे में हम बात जानेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको जो है इस अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस चलिए वीडियो को जो है शुरू कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमें जो है यहाँ पर जो एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो एंड्रॉयड 11 जो है आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही सिक्योरिटी पैच भी देख सकते हैं यहाँ पर जो है आप लोगों को कितने दिन तारीख का देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पर जो अगली यहाँ पर बात करें जो कि है लॉक स्क्रीन के अंदर, तो लॉक स्क्रीन के अंदर जो है आप लोगों को जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट के अंदर जो एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि एक नया यूआई के साथ आ जाता है। जैसे कि इसे मैंने सेट कर दिया है और अब जो है मैं लॉक कर देता हूँ, तो लॉक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है घड़ी के साथ जो है नीचे लिखा हुआ आ जाता है। तो यार ये कुछ अलग ही देखने को मिल जाता है, जैसे कि यार मुझे लगता है इसमें कुछ बग्स है ऐसा देखने को मिल जाता है। अब क्या पता ये से शाओमी ने जो डिज़ाइन किया है या फिर बग्स है इसमें, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये जो है यहाँ पर नया फीचर जो है देखने को मिल जाता है गाइज। सो गाइज यहाँ पर जो अगले फीचर की बात करें तो गाइज यहाँ पर जो है अगर आप जो है कोई भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है मैं थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन कर देते, जैसे कि मैं यहाँ पर पबजी थोड़ी देर के लिए ओपन कर देता हूँ, तो पबजी ओपन करने के बाद जो हम जैसे ही लैंडस्केप में आ जाते हैं तो यहाँ पर जो है अब कंट्रोल सेंटर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है आप लोगों को इसके बाजू में जो है सब जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं गाइस आप सब लोग, क्योंकि पहले जो ऐसा ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ इतना ही देखने को मिल जाता जो कि सेंटर में था और नीचे आपको स्वाइप करके ये सब जो है यहाँ पर एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन इसमें जो ये सब कुछ जो है यहाँ पर आ चुका है गाइस, और आप जो है अब जो है इसे लैंडस्केप में भी यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात लगी मुझे। सो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो है कोई भी नया फीचर नहीं है, लेकिन चेंज हुआ है यह जगह जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो है पहले जो है आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल ऑन स्टेटस बार का नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो है जाने के बाद जो है यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को यहाँ ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है वो गायब कर दिया है फीचर। लेकिन वो जो है अब जो बाहर आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोग जैसे ही नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन आ जाता है, और इसके अंदर सेपरेटली इसे जो है इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि डायरेक्टली आप देख सकते हैं। और इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो आप जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं ये जो पुराना वाला हमारा कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये जो है पुराना वाला हमारा जो है इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। जैसे कि इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो है हमारा नया वाला आ जाता है, जो कि एक ये यहाँ पर जो है इसकी जो है यूआई भी चेंज कर दिया है और इसकी जगह भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर अगली फीचर की बात करें जो कि सेटिंग में ही आया है, यहाँ पर देख सकते हैं अब कनेक्शन एंड सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन नया देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर क्रोमबुक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आप जो है अगर आपके पास कोई क्रोमबुक का डिवाइस है तो आप इससे जो है आप जो है अपने फ़ोन के साथ जो इसे एक्सेस कर सकते हैं गाइस। और नीचे जो है इसके बाद में यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है नियर बाय शेयर, जो कि ये जो है आप अगर यूज़ करना चाहे तो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। इस फोटो में जैसे ही मैं शेयर पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं नियर बाय शेयर का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप उस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ से आपको अकाउंट पूछेगा अपना, और अगर आप सब कुछ सेटअप कर देते हो तो आपके आसपास जो भी डिवाइस है उसमें जो है डेटा आप अपना बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा मुझे ये ऑप्शन लगा। सो गाइज यहाँ पर ये अगला जो फीचर है वो जो है अपडेट, मतलब इसमें जो कुछ नया नहीं आया, सिर्फ जगह जो चेंज हो चुकी है। जैसे कि पिछली बार जो है क्या होता था कि एडिशनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो है आप जो है अपने फुल स्क्रीन गेस्चर को जो यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते थे, यहाँ से जो अब वो हट के जो है यहाँ पर जो होम स्क्रीन के अंदर जो है यहाँ पर जो है सिस्टम नेविगेशन के अंदर जो है ये ऐड हो चुका है, यानी कि इसकी जगह जो है यहाँ से जो है चेंज हो चुकी है। सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं।
सो गाइस, ये जो फीचर जो है मुझे नया आया है या फिर पुराना है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोगों को जो है पता होगा तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आप सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं, पहले जो है मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं पबजी यहाँ पर ऐड है, और यहाँ पर भी पबजी जो है आप लोगों को जो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ से जो है सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर जाने के बाद गेम टर्बो के अंदर जाते हैं तो ऊपर जो है आप लोगों को एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक कर देते हो यहाँ से, तो यहाँ पर जो है रिमूव एडेड गेम्स फ्रॉम होम स्क्रीन यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर पे। जैसे आप इसे इनेबल कर देते हैं तो अब जो है आपके फ़ोन में जो है जितनी भी सारी गेम्स थी वो जो यहाँ से गायब हो जाती है। देख सकते हैं अब जो है आपको स्क्रीन पे जो है गेम देखने को नहीं मिल रहेगा ही, यानी कि आप जो है एक तरीके से इसे हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये फीचर जो पुराना है या फिर नया आया है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जो ऐसा लगा इसलिए मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा ये पुराना है या फिर नया आया है। सो गाइस, अगला जो फीचर जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फिर आप लोगों को भी कैसा लगता है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे कि अब जो है हम सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप इस पर क्लिक कर देते हो तो नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपको ये ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो अगर इसे जो है डिसेबल होगा आपका, तो आप जो है इसे जो है इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के साथ क्या होगा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इनेबल कर देते हो तो यहाँ से जो आप अपना म्यूजिक प्लेयर जैसे वो ओपन कर देते हो, म्यूजिक प्लेयर हो या फिर वीडियो प्लेयर कोई भी आपका जो है जैसे ऑन कर देते हो, यहाँ से जो कोई भी गाना जो है प्ले कर देते हो। जैसे कि मैं जो ये गाना प्ले कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने गाना प्ले कर दिया, और जैसे ही गाना मैंने प्ले किया है तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं एक बटन आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर बटन आ जाता है इसके साथ ही। जैसे कि मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और कम कर देता हूँ, वैसे ही वो बटन आ जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे कि आप उस पर क्लिक कर देते हो तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ऐप का जो है बैकग्राउंड में आप उसका साउंड जो है कम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई टास्क कर रहे हो, जैसे कि गेम खेल रहे हो बाई चांस, तो यहाँ पर जो है आपको डायरेक्टली म्यूजिक आप प्ले करके गेम खेलना चाहते हो तो बैकग्राउंड में आप जो है म्यूजिक का आवाज़ कम कर सकते हो, और पबजी गेम या फिर कोई भी आप दूसरी गेम खेल रहे हैं तो उसका जो है आप आवाज़ जो है वहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। तो ये साउंड असिस्टेंट के अंदर जो है आ चुका है। तो ये जो फीचर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मुझे बता दीजिएगा। और उसके नीचे ही आ जाने के बाद तुरंत यहाँ पर देख सकते हैं साउंड एंड इफेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ नए जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं हेडसेट, जो कि मैं आप लोगों को अपना एयरफोन जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने जो अपना एयरफोन जो है यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर जो है जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है कुछ अलग जो है यहाँ पर जो अब ये जो है यूआई देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले मुकाबले यार बहुत ही ज़्यादा चेंज लगा मुझे। क्योंकि पिछले टाइम जो इतने सारा जो यहाँ पर जो हेडसेट नहीं आते थे, जो कि शाओमी ने जो जो न्यू लॉन्च किए वो जो यहाँ पर ऐड हो रही है, जो कि ये जो मुझे नया फीचर लगा। ये जो पुराना है या फिर कब आया है मुझे नहीं लगा पता नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी नोटिस किया इसलिए मैं जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से जो है उसे भी देख सकते हैं, और सब कुछ जो है आप बाकी के हिसाब से सब कुछ जो है वैसा का वैसा है, सिर्फ इतना ही यहाँ पर जो है चेंजेस देखने को मिल जाता है गाइज। सो गाइज, दूसरा भी जो है आप लोगों को सेटिंग के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपके फ़ोन में कौन सा ऐप जो है यहाँ पर कितना सारा परमिशन ले रहा है, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ऑल परमिशन किसने किसने ले लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कैमरा की परमिशन 22 ऐप्स ने जो है यहाँ पर ले लिए, कॉन्टैक्ट की परमिशन जो है यहाँ पर 27 ऐप्स ने ले लिए, 15 ऐप्स ने जो है यहाँ पर जो है ले लिए ऐसा दिखा रहा है, 11 15। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से देख सकते हैं गाइज, जो कि ये भी फीचर वैसे पुराना है या फिर नया है ये पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है उसका लुक भी चेंज हो चुका है, और यहाँ पर डायरेक्टली जो है आप जाकर जो है देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इतना एक नया फीचर ऐड हो चुका है इसके अंदर। तो दूसरा जो ऑप्शन जो है मैंने जो है बहुत से बार जो है देखा, लेकिन मेरे फ़ोन में देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि डेवलपर ऑप्शन में था, पावर मॉनिटर, यानी कि हम जो गेम जैसे खेलते हैं उसके साथ जो है आपको ऊपर FPS काउंट का ऑप्शन यहाँ पर जो है Android 10 के साथ मिल जाता है। मैंने जो Redmi Note 7 Pro में देखा Android 10 के साथ आया है, लेकिन इस फ़ोन में जो है Redmi Note 9 Pro में Android 10 के साथ वो जो ऑप्शन नहीं आया था। लेकिन अब जो फाइनली यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के बाद मैं जो है डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके यहाँ जैसे ही नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर जो पावर मॉनिटर का ऑप्शन आप लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ,
तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर मॉनिटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपको जो है अगर गेम खेलते वक्त जो है यहाँ से जो है फ्रेम रेट अपना दिखाना है तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर स्टार्ट करोगे तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो कितने एफपीएस काम कर रहा है ये जो है देखने को मिल जाता है। आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और गेम खेल सकते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कितने एफपीएस से गेम चल रहा है। तो ये जो पुराने मतलब एंड्रॉयड 10 के साथ आ जाता है ये फीचर जो मोस्टली सभी डिवाइस में, लेकिन इस डिवाइस में नहीं आया था। तो मेरे साथ जो है ऐसा मुझे सीन हुआ, इसलिए अभी जो है मुझे दिखा तो मैंने जो है आप लोगों को बताना सही समझा इसलिए बता रहा हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस इतने ही यहाँ पर जो है मुझे जो है यहाँ पर नए फीचर दिखे हैं। लेकिन आपको अगर कोई और इसका फीचर पता है तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। अगर बाय चांस मेरे से कोई जो है रह गया है फीचर तो वो भी जो है मुझे आप बता सकते हैं। वैसे जो इसमें जो गाइस यहाँ पर स्मूथनेस जो है एकदम बकवास हो चुकी है, क्योंकि पिछले मुकाबले जो है लैगिंग इशू आ जाता है गाइस। वैसा भी डायरेक्टली आप लोगों को नहीं यहाँ पर दिखा सकता, लेकिन जो है यूज़ करते करते जो है डायरेक्टली आपके सामने आ जाता है, जिससे कि यार यहाँ पर लैगिंग का इशू आ जाता है, एकदम स्मूथ नहीं है। और रही बात रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो बैकग्राउंड से सभी यहाँ पर जो ऐप निकाल दिए, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर जो है 1. रुको गाइस फोकस नहीं हो रहा फ़ोन। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं 1.2 GB जो है यहाँ पर 4 GB में से अवेलेबल दिखा रहा है, यानी कि यार कुछ भी यहाँ पर जो है काम चालू नहीं है, बैकग्राउंड में कोई भी रन नहीं कर रहा है ऐप, फिर भी जो है 1.2 GB ही यहाँ पर दिखा रहा है। और कभी कभार जो ये यहाँ पर MB में भी आ जाता है, तो यार ये जो मुझे घटिया लगा, क्योंकि यार रैम मैनेजमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर रैम मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा है, ध्यान नहीं रखा। और गाइज यहाँ पर जो है अगली एक और एक आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो बाई चांस उसमें जो कोई दिक्कत आ रही है ओपन करने में, तो आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मेरे साथ काइन मास्टर के साथ हो रहा है, देख सकते हैं ये कि जो काइन मास्टर से मैं वीडियो मोस्टली सभी जो है एडिट करता हूँ, जैसे मैं इसे ओपन करने जाता हूँ तो देख सकते हैं क्या आता है यहाँ पर लिख के। देख सकते हैं द काइन मास्टर इंजिन फेल्ड टू यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपली जो है अगर आप जो है उसे जो यूज़ करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो ऐसा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस पर लॉन्ग प्रेस कर लेना है, सेटिंग में जाना है गाइस और यहाँ से जो फोर स्टॉप कर देना है, और आप इसके कैचे वगैरह भी क्लियर कर सकते हैं और फोर स्टॉप करके सब बैकग्राउंड से निकाल देना है और फिर से जो है इसे ओपन कर देना है, जिससे कि ये जो है डायरेक्टली काइन मास्टर जो ओपन हो जाता है। अब जो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगती, और ये सिर्फ हर बार ओपन करते वक्त ऐसा करना पड़ता है गाइस, क्योंकि पहले जो ऐसा करना नहीं पड़ता था, लेकिन अब करना पड़ रहा है जब से अपडेट आया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई ऐप के साथ हो रहा है तो आप इस तरीके से जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, बाय चांस चल जाए, मैं श्योर नहीं कि चलेगा, लेकिन आप जो है ट्राई कर सकते हैं गाइस। और गाइस यहाँ पर जो है मेन बात मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जैसे मैंने अपडेट किया है तो यार मुझे जो थोड़ा इसका ब्राइटनेस जो कम लगा है गाइस पिछले मुकाबले, क्योंकि यार पहले जो है मैं अगर घर से बाहर निकलता था तो यार ये इतने में भी मुझे दिख जाता था, और अब जो है मैं दिन में फुल ही रखता हूँ ब्राइटनेस, और जैसे ही घर में आता हूँ तो इतने में भी आधा करने के बाद भी मुझे ठीक से नहीं दिखता घर में भी। तो इसके वजह से जो है यहाँ पर जो ब्राइटनेस थोड़ी मुझे कम लगी इस अपडेट के साथ। तो आपको जो है आपने अगर अपडेट किया है तो आपको कैसे लग रही है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको भी नोटिस हुआ कि ब्राइटनेस कम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइज। और गाइज यहाँ पर जो है इतना ही इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर आप जो है इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर पबजी गेम प्ले कैसा चलता है तो आप जो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जो इसका FPS शॉट टेस्ट लेकर आ जाऊंगा, जिसके जो है डायरेक्टली FPS काउंटिंग ऊपर चालू रहेगी और यहाँ पर गेम खेल के भी दिखा दूंगा। तो आप जो मुझे बता सकते हैं कि मैं जो जैसे ही इंडिया की गेम रिलीज हो जाए पबजी, तो उसके साथ लेके आऊँ या फिर जो कोरिया वर्जन है उसके साथ ले जाऊँ, तो या फिर कैसे पबजी कौन सी वाली यहाँ पर जो है लेके आओ, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कमेंट आते हैं तो मैं जो उसके ऊपर भी जरूर से डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। और गाइस यहाँ पर मैंने जो सभी बातें जो आप लोगों को बता दिए हैं, नए फीचर बग्स उसके साथ ही रैम मैनेजमेंट कैसी है वैसी सब कुछ बता दिए, बैटरी जो मुझे ठीक ठाक लगी वैसा कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ मुझे जो थोड़ी सी स्पीड कम लगी चार्जिंग होने की। अब जो है वो जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी, तो उसका जो है अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि कैसे डेली यूजेस में मुझे दिखता है। फिलहाल जो कल ही अपडेट किया है तो इतना ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता। सो आए हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।